हेलो दोस्तों, सास बहू के खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज मोमोज, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 चम्मच तेल के डालने हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। बाजार जैसे मोमोज खाने के लिए घर पे बनाएंगे झटपट मोमोज। आटे को एकदम मुलायम लगा के इसे हमें तेल से ग्रीस करना है, फिर आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। मोमोज बनने के लिए मसाला तैयार करेंगे। 2 कप पत्ता गोभी चाहिए हमें बारीक कटी हुई, 1 कटोरी चाहिए बारीक कसी हुई गाजर, 1/2 कप हरा प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ, 1/2 कप शिमला मिर्च कटी हुई, अदरक और लहसुन चाहिए, 2 हरी मिर्च। अब हमें कढ़ाई को गर्म करना है, उसमें 2 चम्मच तेल के डालने हैं। तेल गर्म हो जाने पर हमें इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को डाल दें। चार जाने का बिल्कुल मन नहीं है तो घर पे बनाइए। इस तरह से मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अदरक लहसुन फ्राई होने पर हमें इसमें हरे प्याज को डाल देना है। मोमोज का मसाला इस तरह हम फ्राई करके बनाएंगे तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और हमारे मोमोज बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हमें इसमें गाजर डाल देना है। गाजर को हमें 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। गाजर हमारी जब अच्छी तरह से पक जाए तो हमें इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देना है। हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। गाजर अच्छी तरह से पक जाए तो हमें इसमें पत्ता गोभी को इसमें डाल देना है, थोड़ी शिमला मिर्च डाल देनी है। मोमोज को हम घर पे ही बना रहे हैं तो इसको हम अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। पनीर का भी मसाला इसमें बना के डाल सकते हैं और भी मनपसंद सब्जियों को हम फ्राई करके मोमोज में भर सकते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई हो जाए तो इसमें 1/2 चम्मच हमें काली मिर्च का डालना है, 1 मिनट के लिए भूनना है। फिर इसमें हमें 1 चम्मच लाल मिर्च का डालना, मिर्च डाल के अच्छी तरह मिलाना है। इसी हमारा मसाला तैयार है। अब हमने जो आटा गूंदा था उसे देख लेते हैं। हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसी थोड़ा सा तेल लगाएंगे और 1 मिनट के लिए गूंदेंगे। फिर इसकी छोटी छोटी हमने लोइयां बनानी। ये 1.5 कप मैदा है, इसमें हमारे कुल 16 मोमोज बन के तैयार हो जाए। लोइयों को छोटे छोटे करके काट तोड़ना है। फिर इसकी छोटी छोटी पूड़ियों के जैसे हमें पतला पतला बेलना है। इतनी पतली कुल हमारी पूड़ियाँ होनी चाहिए, जिसमें चम्मच की सहायता से हमें मसाला भरना है। एक एक साड़ी की प्लेट की जैसे हम चारों तरफ प्लेट्स लगानी है। सारी प्लेट्सों को जमा करके हमें बीच में गोल गोल घुमा देना है। पोटली के जैसे हमें इसे बनाना लीजिए। हमारे सारे मोमोज भर चुके हैं। मोमोज को स्टीम से पकाना है, इसलिए बर्तन में पानी डाल के चढ़ाएंगे। 10 मिनट के लिए हमें इसे गैस पर रखना है। फिर हमारे मोमोज तैयार हैं। देखिए कितने बने मोमोज का लुत्फ उठाएं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।